नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। भागवत कथा में देखिए किस प्रकार जनता का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ताजनगरी आगरा के कस्बा इरादत नगर के नजदीक ग्राम पंचायत खेड़िया के भड़बूजापुरा पर 11 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में समस्त ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। मंगलवार को वेद व्यास ब्रज माधुरी वृंदावन धाम ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। हम जिसे सुनते हैं उसे हम अपने जीवन में भी धारणा करें। उन्होंने कहा जिस प्रकार हम भागवत को सुनने के लिए सभी लोग पहुंचते हैं और भागवत में जो भी आपको समझाया जाता है बताया जाता है उसे अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। साथ ही साथ सभी ने उस कहा कि हमें अपने जीवन में धारणा करनी चाहिए और तभी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ भगवान राम के जन्म की कथा भी सुनाई और भगवान राम और उनके भाइयों और माता सीता के चरित्र पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किस प्रकार देखिए भगवान राम ने अपने पिता के वचन के लिए भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास सुना था, उसी प्रकार आज के युवाओं को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें पश्चिमी सभ्यता को भूलना चाहिए और बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो आप जानिए, आपको बता दें कि ब्रज माधुरी जी जो वेद व्यास हैं और देखिए किस प्रकार कथा में रसवान करा रही हैं, भक्तों को कथा का श्रवण करा रही हैं और देखिए किस प्रकार भक्त उनकी कथा को सुनने के लिए देखिए आप तस्वीरों में देख रहे हैं झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए वेद व्यास ब्रज माधुरी जी का क्षेत्र की जनता की ओर से सापा माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया जा रहा है और इसी कड़ी में आप तस्वीरों में देख रहे हैं देखिए किस प्रकार लगातार भक्तों को जमावड़ा है और देखिए किस प्रकार वह लगातार भजनों पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो जानते हैं वेद व्यास ब्रज माधुरी जी से किस प्रकार उन्होंने आज भक्तों को कथा का रसपान कराया है। ताजनगरी आगरा के आपको बता दें कि खेड़िया ग्राम पंचायत के आज पावन भूम भड़बूजापुरा पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है जिसके लिए हम पहुँचे हैं यहाँ और जानने का प्रयास करेंगे वेद व्यास जी से कि इस प्रकार की भागवत कथा से सुनने से क्या क्या लाभ होते हैं और साथ ही साथ करवाने से क्या क्या फ़ायदा होते हैं। इन सब के बीच आज धर्म के लिए हम पहुँचे हैं यहाँ इनके बीच। पहले तो मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करना चाहूँगा। राधे राधे। आप अपना परिचय भी दीजिए लोगों को। मेरा नाम कुमारी ब्रज माधुरी है और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। 11 दिन की कथा है, आज छठवा दिन है। आज अब तक कथा में क्या क्या हुआ है और क्या होने वाला है? अभी तक कथा में 8 स्कंदों की कथा हो चुकी है और 9वें स्कंद की भी हो चुकी है जिसमें श्री राम कथा यानी सूर्यवंश की कथा हमने कही है। भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है 4 रूपों में और चारों भाइयों का विवाह होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं कि भागवत सुनने से क्या होता है, करवाने से क्या होता है। तो सुनने से भी लाभ नहीं होता, जब तक कथा को सुन करके अपने जीवन में उतारा नहीं जाए तो कोई लाभ नहीं है। अगर सुन लिया है उसकी 2-4 बातें जो बहुत अच्छी बातें हैं जिनको जीवन में उतारा जा सकता है, अगर उनको उतार लिया है तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा काम किया है और मुक्ति की ओर एक कदम बढ़ा दिया आपने। और अगर जो व्यक्ति करवाना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो लोग करवाना चाहते हैं उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि ये मोक्ष का वो साधन है, मोक्ष की एक वो नौका है जिसमें बैठ करके इस संसार रूपी सागर से पार किया जा सकता है। अन्यथा इस संसार में आकर के तो व्यक्ति वही देखते हैं, घरों में प्रतिदिन कलेश होते हैं, उन्हीं में डूबता रहता है, शांति नहीं है किसी के घर में। तो कथाओं का आयोजन जो करवाना चाहते हैं उससे ये लाभ होगा कि जीवन में शांति होगी और जितने भी हमारे पूर्वज हैं जो दिवंगत जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है इस कथा को करवाने से। देखा जा रहा है कि आजकल की युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर होती जा रही है, ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई क्षेत्र अब नहीं रहा जहाँ एक बेटी नहीं पहुँची हो। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर क्षेत्र में एक लड़की ने कदम रखा है और उस सभ्यता को लेकर के मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अब जो बेटियों को दिया जा रहा है कि बेटी सब कुछ कर सकती है,
जो भेदभाव पहले होता था वो सब मिट चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है और वो भी शायद ख़त्म ही हो जाएगा। इसी तरीके से रहा तो जब बेटे को जिस स्थान पर पहले रखा जाता था, आज मैं देख रही हूँ कि बेटी को बेटे से कम नहीं माना जा रहा है और बेटियाँ भी अपने सारे सपने पूरे कर रही हैं जो वो करना चाहती हैं। अभी देखा जा रहा है कि कुछ अपने युवक पश्चिमी सभ्यता के चलते अपने माँ बाप को अनाथालय में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए जो धर्म से कहीं ना कहीं विमुख होते जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? ये जो धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, ज़्यादातर जो बच्चे युवा होते हैं विवाह होने के बाद में माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। एक बात बताइए, जिस माँ ने 9 महीने तक गर्भ में अपने बच्चे को रखा, ये कौन सा धर्म है कि बच्चा जब माँ बाप बच्चा छोटा होता है तो उसको राजकुमार की तरह पालते हैं। तो बच्चे का फर्ज ये होता है कि जब माँ बाप बूढ़े हों तो वो उनको बादशाह की तरह, राजा रानी की तरह रखे अपने माता पिता को। और देखिए, जैसे माता पिता, जैसे माँ गीले में सोती है बेटे को सूखे में सुलाती है, अगर वही बच्चा अगर माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो बताइए, घर में ही इतने बड़े शत्रु हैं तो बाहर से क्या उम्मीद करें, बाहर के लोगों से। और दूसरी बात, हर माँ बाप यही चाहता है कि बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, तब हम बुढ़ापे में बैठ करके खाएंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, आजकल देखा जा रहा है बच्चे युवा हो जाते हैं, नौकरियाँ लग जाती हैं और माँ बाप को अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। तो ये कोई धर्म नहीं है। याद रखें, जो व्यक्ति अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हैं तो कभी वो भी माँ बाप बनेंगे। आज उन्होंने अपने माता पिता के साथ ऐसा किया है, कल उनकी संतान उनके साथ ऐसा करेगी। जैसा कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने सब जगह जाइए। और जाने का मतलब मेरा कहना इतना है कि जाना है, सुनना है, लेकिन ध्यान से सुनना है। और सुनने से ये होगा कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी जिन्हें आप सुलझाने में असमर्थ होंगे, हो सकता है वहाँ से कोई समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। और समाधान मिलेगा, बहुत सारे ऐसे सदमार्ग दिखाए जाएंगे व्यास जी के द्वारा बताए जाते हैं, जिनसे आपको देखा जाता है कि आप बहुत से लोग एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है वहाँ से और ज्ञान मिलता है कि परमात्मा की ओर अगर जाएं तो किस तरीके से जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पर नॉलेज मिलती है। अब आगे कथा में क्या क्या होने वाला है? आगे कथा में भगवान, हम चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे, भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनकी बाल लीलाएँ होंगी, फिर उससे भी आगे। ये कथा 11 दिन की है तो इसमें बहुत सारी कथाओं को बीच में दे करके, जैसे क्या बोलते हैं, मोटिवेट जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक में जो बोलना होता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं मनुस्मृति के अनुसार बोलते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार बोलते हैं, धर्मशास्त्रों के अनुसार बोलते हैं, जो वेदों में दे रखा है वो बोलते हैं, संस्कृत के बारे में बोलते हैं, जैसे लौकिक और वैदिक, वैदिक वेदों की संस्कृत है, लौकिक जो आजकल हम पढ़ते हैं वो लौकिक संस्कृत है, बहुत सारी चीज़ों का। और जो मनुष्य की योनि मिली है, मानव जीवन जो है 84 लाख योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य की, उसकी सार्थकता किसमें है, वो सब हम बताते हैं कथाओं के माध्यम से। तो आपने जाना, ये थी ब्रज माधुरी जी, जिन्होंने अभी बताया है कि भागवत सुनने और कराने के साथ साथ जब तक हम अपने जीवन में उन चीज़ों को धारणा नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति का, आपको बता दें कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। और इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सीबीएन।